वैलेंटाइन डे आ रहा है, कितना अच्छा लगता है ना। दो प्यार करने वाले जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं, कितना अच्छा लगता है यार। हग डे, रोज़ डे, चॉकलेट डे मना रहे हैं, ये वैलेंटाइन वीक उनके लिए कितना अच्छा रहता है। फुल इन्जॉय करते हैं एक दूसरे के साथ में। वो अपना विक्की है ना, उसने अभी स्टेटस डाला था अपनी बंदी के साथ में, कितनी ब्यूटीफुल बंदी है यार उसकी। बहुत जलन हो रही है अंदर, बहुत जलन हो रही है। और यहाँ पर हम जो है मास्टरबेशन भी नहीं कर सकते, यहाँ हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। जैसे कि पता नहीं ब्रह्मचर्य पालन करके हम क्या उखाड़ लेंगे। कम से कम चलो हमारे पास कोई बंदी नहीं है, तो कम से कम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम मास्टरबेशन तो कर सकते हैं। सुकून मिलता है दिल को, और ये सुकून भी तू सब लोगों से छीन रहा है ब्रह्मचर्य का ज्ञान देके। होना जाना कुछ भी नहीं है, पता नहीं जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके हम क्या उखाड़ लेंगे। हो गया तेरी बकवास, हो गई बकवास, अब जरा शांति से मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी तरह हमारे बहुत सारे युवाओं की ये सोच है कि हमारे फलाने फ्रेंड की, जैसे तूने भी विक्की की बात की, ऐसे बहुत से युवाओं की सोच है कि हमारा फलाना दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ वैलेंटाइन वीक मना रहा है, और हमें उसे देख के जलन होती है, और उस जलन के चलते हम इमेजिनेशन बनाते हैं, और इमेजिनेशन में हम मास्टरबेशन की प्लानिंग कर लेते हैं, और फिर मास्टरबेशन कर बैठते हैं, जिससे हमें सुकून मिलता है। तूने कहा ना कि तू हमसे मास्टरबेशन भी छीन ले, जो हमें सेटिस्फाइड मिलता है, मतलब हम ये सब करने के बाद, मास्टरबेशन करने के बाद जो हमें सुकून मिलता है, तो वो सुख भी हमसे छीन ले। तो बताऊँ, वो कोई सुख नहीं है, बस 2 मिनट का तुमने एक इमेजिनेशन कर लिया और तुमने जो है मास्टरबेशन कर लिया, वो भी किसी और की दुनिया को सोच के, यानी कि किसी और को देखकर तूने सोचा। कितनी बड़ी मूर्खता है ये, किसी को सोचा, उसको सोच के तुमने अपनी शक्ति, अपनी वो कीमती शक्ति, अपनी वो धातु तुमने नाली में बहा दी। कितनी मूर्खता की बात है ये। और मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन तू, ठीक है, बकवास नहीं करेगा, ध्यान से सुन। देख, ये जो वैलेंटाइन डे आता है, कहते हैं कि प्यार, मुझे बता कि प्यार रह कहाँ गया है। सिर्फ सब अपने मतलब के साथ हैं, जो 2 लोग हमें दिख रहे हैं वो भी मतलब के साथ हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उसकी तरफ झुका हुआ है, किसी के पास सुंदर शरीर है वो उसकी तरफ झुका हुआ है। सब आकर्षण का खेल है, वासना का खेल है। ठीक है, अगले साल फिर से वैलेंटाइन डे आएगा, लेकिन लोगों का वैलेंटाइन बदल चुका होगा। ठीक है, सब टाइम पास हो रहा है, 14 फरवरी तक, 15 फरवरी तक बस यही सब चलता रहता है। उसके बाद क्या क्या होता है ये सब आप तो जानते ही हैं, बस यहाँ तक सबका लेना देना ख़त्म हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते। और ये जो सुख है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये लगातार ये वासना की भूख और बढ़ती जाएगी, और फिर इसका इफ़ेक्ट हमारी जब शादी होगी तब भी पड़ेगा, क्योंकि पुरानी आदतें सामने आएंगी। हम शादी के बाद भी किसी एक के नहीं हो पाएंगे, दूसरों की तरफ आकर्षित होंगे, समझ रहे हो? ये वासना का खेल है तुम्हें बर्बाद करने का, समझ रहा है मेरी बात को? और तू इनमें सुख ढूंढ रहा है, तुझे पता है इन आशिकों का 1-1, 2-2 किलो खून तो ऐसे ही जल जाता है बैठे बैठे, कि उसकी बंदी को कोई और उड़ा के ना ले जाए, कोई और पटा के ना ले जाए, समझा? वो और बस इसी में लगे रहना कि ला तेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दे, तेरी फेसबुक आईडी दे दे, ताकि मेरी बंदी कहीं किसी रातों में किसी और से बात तो नहीं कर रही, कोई उसे और कोई सेट तो ना कर ले। तुम्हारी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया ब्रह्मचर्य का, जो रियलिटी है, इसको ब्रह्मचर्य का पालन करके तू अपनी शक्ति बचा और अपनी उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा, अपने आप को सफल बना। मेरे भाई ध्यान रख मेरी बात, इस दुनिया में सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत होती है। जो सफल हैं ये दुनिया उनके आगे सर झुकाती है, ठीक है? और जो ये तू हरकतें कर रहे हो ना, मास्टरबेशन की, एक दूसरे के पास कोई लड़की है उसको देख के जलन की भावना लाना, और अपने आप को बस ये सोचना कि अरे यार मेरे को भी कोई लड़की मिल जाए तो मैं उसके साथ ऐसा ऐसा कर लूँ, मेरे भाई ये तुम्हें नरक में धकेलेगा, सच बता रहा हूँ। तुम्हारी ये आकांक्षाएं, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली, अगर तुम इस वासना एक चंगुल में फंसे रहोगे ना, समझ जाओ बर्बाद हो जाएगा तू। इससे अच्छा इतनी सारी ये टेंशन, ये जो तू पाला बैठा है कि वो फलाने ने वो लड़की पटा ली, वैलेंटाइन डे चल रहा है, हग डे मन रहा है, ये सब बेकार की बातें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, फोकस कर अपने ऊपर, और ब्रह्मचर्य का पालन कर, अपने आप को सफल बना, तेरे आगे लाइन लगी होगी, समझा? ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुझे। यार तेरी बात में दम तो है, तू सही कह रहा है। वो विक्की भी ना कई बार मतलब शक करता है उसकी गर्लफ्रेंड पे, कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड किसी कहीं और किसी से तो बात नहीं कर रही, उसने भी उसके आईडी पासवर्ड लेते हैं, लेके रखे हुए हैं। कई बार वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, वो आईडी पासवर्ड को बदल भी देती है, आपस में उनकी कई बार लड़ाइयाँ भी होती रहती है, और आज उसी के साथ वो वैलेंटाइन मना रहा है। बात तेरी सही है, गलत नहीं है, कहीं ना कहीं आज लोग टाइम पास ही कर रहे हैं एक वजह से। लेकिन यार इससे मतलब मास्टरबेशन का तो हम एक खुद की इमेजिनेशन हम क्रिएट कर रहे होते हैं, खुद ही हम उसमें मतलब सिंगल हैं, हम सिंगल लौंडे हैं, खुश हैं, हम अपने आप को हिलाकर संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये क्या गुनाह है क्या? मतलब तो क्या कोई गुनाह हो जाएगा? जैसे कि मैं अगर कर रहा हूँ ये चीज़, तो क्या इसमें कोई गुनाह हो गया मुझसे? देख मेरे भाई, कोई गुनाह नहीं हुआ, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से, जिन गलतियों से हमारा नुकसान हुआ है, हमें उससे सीखना चाहिए, और हमें उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि दोबारा वो गलती हम ना करें, ठीक है? बाकी देख,
अगर तुझे अपना जीवन सिर्फ इन्हीं सब में बिताना है कि वो अपना पासवर्ड दे दे, वो लड़कीबाजी में ही तुझे अपना पूरा जीवन बिताना है, तो तेरा जीवन है, तू बिता, यही सब करता रहे जीवन भर, और फिर तुझे अंत में क्या प्राप्त हो जाएगा? तू बस टुइया लाल बन के रह जाएगा, हिला हिला के ये मास्टरबेशन की आदत इतनी गहरी हो जाती है, पता नहीं चलता कि सालों कब बीत जाते हैं, इमेजिनेशन ही बनता रहता है दिन रात। ठीक है, तुम कोई काम भी करने बैठेगा तो तुझे सिर्फ दिन रात इमेजिनेशन आएगी दिमाग में, सिर्फ इमेजिनेशन चलता रहेगा, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ तक कि सपने भी उसी प्रकार के आने लगेंगे। तो ये बेवजह अपना शरीर है, अपना दिमाग है, हम इसको किसी और पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, किसी की एक छवि बना लेते हैं, किसी लड़की को पकड़ लेते हैं, चाहे वो तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी, चलन की भावना से या वासना से तुम किसी भी एक्ट्रेस को पकड़ लेते हो, चाहे उन गंदी फिल्मों की तुम एक्ट्रेस को पकड़ लेते हो, और बस वही सब सोचते रहना और बस ये सब करते रहना, ये कहाँ तक अच्छा है? तो खुद सोच के देख, अपना शरीर, अपना दिमाग, हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में हमें अपना ध्यान देना चाहिए, और हम ये सिर्फ ये ऊर्जा दूसरों को सोचकर नालियों में बहा रहे हैं, क्या ये समझदारी है? मैं बस ये बात कह रहा हूँ, गुनाह नहीं हुआ, देख गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, तुझसे भी हुई हैं, हमारे भाइयों से भी हुई हैं, लेकिन अब समय है उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का। ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाओ, ये दुनिया सिर्फ बेहतर लोगों को ही पसंद करती है, सफल लोगों को ही पसंद करती है मेरे भाई। ठीक है, टुइया लालों को कोई पसंद नहीं करता, कोई इज्जत नहीं होती, और सब अपना अपना बेहतर बेहतर चाहते हैं, तो अपने आप को बेहतर बनाओ। बस मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, लड़का लड़की, मैं बस ये जानता हूँ कोई सच्चा सच्चा प्यार नहीं रह गया है, सिर्फ आज जो बेहतर है, जो कामयाब है, जो सफल है, उसी की इज्जत होती है, लोग उसी से प्यार करते हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो अपने आप को बेहतर बनाओ, और आप भी अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। ठीक है, अगर आप, मैं देखो प्यार के खिलाफ नहीं हूँ भाइयों, लेकिन अगर आपके जीवन में सच्चा प्यार है तो सच्चा प्यार क्या होता है पहले समझो। अगर सिर्फ आकर्षण का खेल है, शरीर की मांग है, ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। ठीक है, अगर आप अभी कुछ कमा रहे हो, कुछ अच्छा अर्न करते हो, तो ठीक है, कुछ समझ में आता है कि आपने किसी से प्यार किया है, लोग आपको एक मतलब इज्जत दे रहे हैं, समझना, अगर आप कामयाब हो तो आपके पास सब लोग आएंगे। लेकिन अगर आप कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो, माँ बाप पे ही डिपेंड हो, और ऊपर से वीरनाश कर रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो, जीवन की सारी खुशियाँ चली जाएंगी बस वो दो मिनट के सुख के चक्कर में। इमेजिनेशन करोगे, मास्टरबेशन कर दोगे, इसी में पूरा जीवन बीत जाना है। तो वो दो मिनट का नकली सुख चाहिए या जीवन भर का सुख चाहिए? अपने आप को बेहतर बनाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, यकीन मानिए ये ऊर्जा आपका जीवन बदल के रख देगी। बस पालन करो मजबूती के साथ, लोगों को मत देखो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।